नमस्कार, जय साईं राम। मैं बृजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूं एक नया विषय। आज हम चर्चा करेंगे एक नए विषय पर, तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तुलसी के टोटके व्यक्ति को बनाते हैं धनवान। यदि आप लगन के साथ तुलसी के टोटके करते हैं तो आप धनवान बन सकते हैं, आपको लाभ हो सकता है। तुलसी के पत्ते, लाल धागा और लौंग यदि आप पिल्लों के नीचे, सिरहाने के नीचे रखकर सोते हैं तो लाभ मिलेगा। परंतु कैसे रखना है ये भी एक नियम होता है, एक विधि होती है। उस विधि के अनुसार रखते हैं तो बहुत अधिक लाभ मिलता है। ये विधि क्या है, कैसे रखना है, ये मैं सब अभी आपको बताऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि तुलसी जो होती है वह हमारे इर्द गिर्द पॉजिटिव वाइब्रेशन को बना देती है। जैसे आप सोए, आपने अपने सिरहाने के नीचे तुलसी का पत्ते रखे तो आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव वाइब्रेशन का, सुरक्षा का घेरा बन जाएगा, जिससे किसी तरह की कोई नेगेटिव वाइब्रेशन आपके करीब नहीं आ सकती और पूरी तरह से आप सुरक्षित रहेंगे और जो वातावरण में पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो आपकी तरफ खिंची चली आएगी। मेरी एक वीडियो है कि जब हम सो जाते हैं तब हमारे साथ क्या होता है। इस वीडियो में मैंने बताया है कि जब हम सो जाते हैं तो किस प्रकार वाइब्रेशन हमारे इर्द गिर्द होती है, परंतु यदि हम नेगेटिव ग्रंथि को जागृत कर सोए हैं तो नेगेटिव वाइब्रेशन, और यदि पॉजिटिव ग्रंथि को एक्टिवेट करके सोए हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें मिलती है। तो हमने जब पिल्लों के नीचे तुलसी के पत्ते, लौंग और लाल धागा रख लेना है तो फिर हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन ही मिलती है और हम बहुत अधिक लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये वाइब्रेशन निरंतर हमारी बॉडी में जाती रहेगी। दिन के समय क्या होता है कि हम किसी वक्त तो पॉजिटिव वाइब्रेशन लेते हैं, परंतु जैसे ही हमारे विचार नेगेटिव होते हैं हम नेगेटिव वाइब्रेशन लेने लगते हैं, यानी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। परंतु जब तुलसी के पत्ते सिरहाने रख लिए जाते हैं तो निरंतर पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है, यानी लगातार पॉजिटिव वाइब्रेशन लेनी है तो तुलसी के पत्ते इस प्रकार रख लीजिए, फिर लगातार पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी, वरना कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव और आपको लाभ उतना नहीं मिलेगा। तो तुलसी के पत्ते रखने से आपका कारोबार चलेगा, किया किराया दूर होगा, नज़र उतरेगी, काम बनने लगेंगे, धन दौलत आने लगेगी, विचार अच्छे हो जाएंगे। यदि आप बच्चे के सिर के नीचे रखते हैं तो पढ़ाई में मन लगने लगेगा। कोई रोगी है उसके पिल्लों के नीचे रखते हैं तो उसका रोग समूल नष्ट होने लगेगा। कोई डिप्रेशन में रहता है उसके रखेंगे तो उसको भी लाभ मिलेगा। कोई गृहिणी है वो रखती है तो मासिक धर्म आने वाले समय में बहुत नियमित आता है, बहुत सही तरीके से आता है। तो आप इस तरीके से इन चीज़ों का लाभ लेना चाहिए। आयुर्वेद कहती है कि तुलसी के पत्ते में बहुत अधिक ऊर्जा होती है, परंतु हम लोग इन सभी ऊर्जा से दूर जा चुके हैं, हमें इनके करीब आना है और इन सब चीज़ों का लाभ लेना है। लौंग से नेगेटिव वाइब्रेशन पूरी की पूरी समाप्त हो जाती है, और लाल धागा हम परमात्मा का आशीष लेने के लिए साथ रख लेते हैं। तो इस प्रकार हमारे ग्रह भी शांत रहते हैं, हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन भी मिलती है, सुख शांति भी मिलती है, धन दौलत भी मिलती है, किया किराया भी समाप्त होता है, नज़र लगी हो वो भी ख़त्म होती है और हम आगे बढ़ने में रुकावट महसूस नहीं करते हैं, कोई कष्ट महसूस नहीं करते हैं। होता क्या है कि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। परंतु जब इस प्रकार आप तीनों चीज़ें रखकर सोते हैं तो फिर किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी और आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत आसान सा रहेगा, यानी कोई मुश्किल आपको आएगी नहीं, आपको लगेगा नहीं कि मुझे मुश्किल आ रही है, मैं कैसे करूँ। अब पूरी विधि जान लीजिए। रात को सोते वक्त अपने पिल्लों पर हाथ फेर कर अपने परमात्मा के नाम का सिमरन कीजिए, फिर तुलसी के दो या पांच पत्ते रखिए, उसके साथ लौंग और लाल धागा जो है वो लौंग पर लपेट दीजिए, यानी पूरी तरह से लौंग पर लिपटा हो उसको रख दीजिए। अब आप ये पिल्लों के नीचे रख देंगे
और आराम से सोने का प्रयत्न करेंगे। सोते हुए आप यदि नाम सिमरन करें तो बहुत अच्छा है। अब आपको गहरी नींद आएगी और आप महसूस करेंगे कि आपने बहुत अच्छी वाइब्रेशन ली है और ले रहे हैं। अब जब सुबह उठेंगे तो इन सब चीज़ों को उठा लीजिए, यानी इन सब चीज़ों को वहाँ से उठा लीजिए और जल प्रवाह कर दें, किसी मंदिर में रख दें, कहीं पौधों में रख दें। खाना नहीं है, इन चीज़ों को खाना नहीं है, क्योंकि इनके नेगेटिव वाइब्रेशन इन्होंने खींची होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको दी होती है, नेगेटिव वाइब्रेशन इसमें समा जाती है। तो खाना नहीं है, रख सकते हैं। मासिक धर्म हुआ है तब भी रख सकते हैं, कोई रोगी है तब भी रख सकता है, घर में सूदक पातक कुछ भी है आप रख सकते हैं। तुलसी के पत्ते रात के वक्त नहीं तोड़ते हैं, रविवार भी नहीं तोड़ते हैं, इसलिए तुलसी के पत्तों का इंतजाम पहले ही कर लें। रोजाना एक ही पत्ते नहीं रखने हैं, रोजाना पत्ते बदलने हैं। यदि आप पत्ते तोड़ना भूल गए, पत्ते नहीं हैं, तो फिर उस रात मत रखिए। ये नहीं है कि रात के वक्त ही आप तोड़ने चले जाएं, रात को नहीं तोड़ना है, बहुत भारी पाप लगेगा। रात के वक्त पत्ते नहीं तोड़ने हैं, इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। कुछ भी हो जाए, रात को नहीं तोड़ने हैं, नहीं है पत्ते मत रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले दिन रख लीजिएगा, रात को तोड़िएगा नहीं। ये क्रम आप लगातार करते रहिए। अब बहुत सारे लोग मुझे फिर मैसेज करते हैं कि हम कब तक करें। भाई जब तक लाभ लेना है तब तक कीजिए, जब लाभ नहीं चाहिए तो छोड़ दीजिए। जब आपको लगता है कि आप मुश्किल में है कर लीजिए, बीच में नहीं भी करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं होता है कि कब तक करें, जब तक लाभ लेना है तब तक कीजिए, चाहे सारी उम्र कीजिए। कहीं फिर बार बार लिखते हैं मैं कर सकता हूँ, ये सभी कर सकते हैं, छोटा बड़ा बच्चा लेडीज़ कोई भी, सभी कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई और टोटके कर रहे हैं तब भी आप इस टोटके को कर सकते हैं, किसी और टोटके के साथ भी इसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ेगा। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए तो इसे शेयर कर दें, ताकि शेयर करने से दूसरे लोग भी देखें, उनको भी लाभ मिले, और जब उनको लाभ मिलेगा तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। तो यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, यदि आपने जन्मपत्री दिखानी है तब भी आप व्हाट्सएप कीजिए। जन्मपत्री देखने की हमारी फ़ीस होती है, आप जानते होंगे कि जन्मपत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं, जन्मपत्री में बहुत सारे योग होते हैं, योग से ही हम जानते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होगी। कई बार हम ग्रहों के उपाय करते रहते हैं परंतु हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। हम लगातार ग्रहों के उपाय कर रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास होकर आ चुके हैं, लेकिन लाभ नहीं मिला है। कारण क्या है? कारण ये होता है कि जन्म कुंडली में योग होते हैं, जब योग एक्टिवेट ना हो, कमज़ोर हो, तो ग्रह काम नहीं करते हैं, और जब ग्रह काम नहीं करते हैं तो फिर उनके उपाय कितने भी कीजिए आपको लाभ नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक कि उस योग को बलि नहीं किया जाता, एक्टिवेट नहीं किया जाता। तो यदि आप जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए, सवाल है तब भी व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप का जवाब 4 या 5 दिन में मिलता है। फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।